नमस्कार, वन इंडिया हिंदी के खास कार्यक्रम रण बांकुरी में आपका स्वागत है। रण बांकुरी में आज हम आपको अपने नौ सैनिकों का वो कारनामा दिखाएंगे जिसे देखकर और जिसके बारे में जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। पहले ये पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद बताएंगे कि आखिर इसमें खास क्या है। देश को दुश्मनों से बचाने के लिए हमारे सैनिक अपनी जान की परवाह किए बिना थल जल और नभ में मुस्तैदी से डटे रहते हैं। भारतीय नौसेना भी समुद्री सीमाओं पर दुश्मनों को घेरने और उन्हें परास्त करने के लिए 2400 घंटे वहां तैनात रहती है। ऐसे में नौसैनिकों को समुद्र में दूसरों की रक्षा के लिए कई जानलेवा मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है। ये वीडियो इसी का एक उदाहरण है। इसमें 20 समुद्र में मौजूद एक बड़े जहाज में बम होने की खबर के बाद पहली बार हेलीकॉप्टर से दो स्निफर डॉग के साथ नौसैनिकों को वहां उतरते हुए दिखाया गया। इस वीडियो को ट्विटर पर पीआरओ डिफेंस मुंबई के आधिकारिक अकाउंट से शेयर किया गया। इसमें नौसैनिकों के साथ दो स्निफर डॉग मिंकी और मुक्ति भी हैं। एक मॉक ड्रिल के दौरान नौसैनिक नीलम नामक एक समुद्री जहाज के ऊपर हेलीकॉप्टर से पहुंचते हैं। ड्रिल के अनुसार उसमें बम होने की खबर उन्हें मिली है। वो उसे निष्क्रिय करने पहुंचे हैं। इस दौरान वो अपने साथ दो स्निफर डॉग को भी लेकर नीचे उतरते दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा गया है, भारतीय नौसेना में पहली बार वेस्टर्न नेवल कमांड के क्लियरेंस ड्राइवर्स नौसेना के हेलीकॉप्टर से समुद्र के बीच स्थित एक प्लेटफॉर्म पर विस्फोटक सूंघने वाले दो स्निफर डॉग मिंकी और मुक्ति के साथ उतरे। ये प्रस्थान नामक एक्सरसाइज का हिस्सा है। इसमें कृत्रिम बम होने की सूचना दी गई थी। सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। इसे लोग खूब पसंद कर रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।